अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल मेहर ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो आज बात करने जा रहे हैं हेडोकिन प्लस, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हेडोकिन प्लस। तो बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली क्रीम है, लेकिन अक्सर लोग इसको गलत यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन को नुकसान होता है। तो आज मैं बताऊँगा इसको आप कैसे सही यूज़ कर सकते हैं और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत यूज़ के क्या नुकसान आते हैं, आज पूरी तफसील से बात करूँगा। इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं हेडोकिन प्लस, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ही फेमस क्रीम है, आप लोग इसको छाइयों और इसको वाइडने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसको गलत यूज़ करते हैं जिसकी वजह से स्किन को नुकसान होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। मसलन अगर आप इसको गलत यूज़ करते हैं तो ये ऊपर से आपकी जिल्द उतार देती है और फिर नीचे से आपकी पिंक जिल्द निकल आती है लाल तरह की, और आस्ता आस्ता धूप में जाने से वो जिल्द काली होना शुरू हो जाती है, यानी कि जैसे आपकी जिल्द जली होती है ऐसे होना शुरू हो जाती है। तो आप इसको गलत यूज़ करते हैं, आप या तो इसको अकेले को यूज़ करते हैं, सेंसिटिव आपकी स्किन होती है, या आप इसको बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ करते हैं, या आप इसको ज़्यादा बार दिन में ज़्यादा बार इसको यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से आपके स्किन पर काफ़ी सारे नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मैंने एक बताया कि आपकी स्किन काली हो जाती है, लाल हो जाती है, उसके बाद धूप में निकलने से आपकी स्किन पे छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप इसको सही कैसे यूज़ करें, अगर आपने इसको आपके चेहरे पर छाइयाँ हैं या आप इसको वाइडने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ फेस के वाइडने के लिए यूज़ नहीं होती बल्कि हैंड और फीट के वाइडने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको दाग धब्बों के लिए भी यूज़ करते हैं, अगर तो आपकी स्किन पर छाइयाँ हैं तो छाइयों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको अकेला यूज़ करना चाह रहे हैं हेडोकिन प्लस को, तो आप इसको मटर के दाने के बराबर रात को यूज़ करें, सिर्फ जस्ट रात को यूज़ करें, सुबह शाम यूज़ ना करें। सुबह शाम यूज़ करने की वजह से आपकी स्किन जलना शुरू हो जाएगी, तो आप मटर के दाने के बराबर यूज़ करें इसको। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है तो आप इसको बंद कर दें यूज़ करना। बेस्ट इसका तरीका यह है कि आप इसको किसी भी क्रीम में मिक्स करके यूज़ करें, आप इसको किसी मेडिकेट क्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं, या इसको आप किसी फार्मूला क्रीम में, मसलन गोल्डन फर्ल या फैजा क्रीम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आपकी स्किन जो ऊपर से उतरना शुरू नहीं होगी, आपकी बेस्ट इसका रिजल्ट मिलेगा आपको वाइडने के लिए और छाइयों के लिए। तो आप इसको जस्ट रात को यूज़ करें किसी भी क्रीम में मिक्स करके, तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा छाइयों और वाइडने के लिए। ये है इसका यूज़ का सही तरीका, आप इसको गलत यूज़ करेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट आएंगे, काफ़ी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये थे हेडोकिन प्लस के गलत यूज़ के नुकसान और इसका सही यूज़, आपने इसको कैसे करना है। मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि अक्सर लोग आप इसको गलत यूज़ करते हैं, तो वैसे इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी सारे इसको यूज़ करते हैं। तो ये थी आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बंदा इसको यूज़ कर रहा है उसको फ़ायदा हो अगर वो गलत यूज़ कर रहा हो। तो लास्ट में फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे मैरियन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।